पाठन बनाकर देखिए 2.3 गणित वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 7 पेज नंबर 32 बनाकर देखिए 2.3। पहला सवाल, पिछले वर्ष रसकुंडू ग्राम में साक्षर और निरक्षर लोगों का संख्या का अनुपात 4:1 था। ग्राम की जनसंख्या 6,550 हो तो साक्षर और निरक्षर लोगों की संख्या बताओ। एक नंबर सवाल बनाकर देखें 2.3। तो पहले लिख लेते हैं साक्षर अनुपात निरक्षर बराबर 4:1। कुल जनसंख्या देख लेते हैं कितना है। कुल जनसंख्या 6,550। ठीक है, ये सवाल बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, साक्षर का अनुपातिक भाग निकालना पड़ेगा और निरक्षर का अनुपातिक भाग निकालना पड़ेगा। तो अनुपातिक भाग निकालने के लिए क्या करते हैं, साक्षर कैसे निकालते हैं, ऐसा निकाल कर देखते हैं। यहाँ लिखेंगे साक्षर का अनुपातिक भाग, इसे हम ऐसे बिना लिखे ही बना सकते हैं, तो उसको हम दूसरे सवाल में सीखेंगे कैसे बनाते हैं। फिलहाल इसको हम पार्ट बाय पार्ट में भाग करके बनाते हैं। तो साक्षर का अनुपातिक भाग बराबर क्या हो जाएगा, साक्षर का अनुपात 4 और इन दोनों को जोड़ देंगे, 4+1 बराबर 4/5। साक्षर का अनुपातिक भाग क्या हो गया, 4/5। कुल जनसंख्या कितनी है, 6,550। तो अगर साक्षर की संख्या निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 6,550 गुने कुल जनसंख्या, 5 से काटेंगे, 5×5 5×3=15, 5×5=0, उसका गुना कर देंगे 4×0=4, 4×3=12, 2×1 6×4=1=5। उसी तरह साक्षर का अनुपातिक भाग जैसे निकाले उसी तरह निरक्षर का निकालेंगे, क्या हो जाएगा, निरक्षर का अनुपात कितना है, 1/ में क्या हो जाएगा, 4+1 मतलब 1/5। अब निरक्षर की संख्या क्या निकालेंगे, एक बटा 5×6,550 काट देंगे 5 से, 1,310। साक्षर की संख्या कितना आया, 5,240 और निरक्षर की संख्या कितना आया, 1,310। दूसरा सवाल, 650 रुपये बीसु एवं अर्पणा में 5:3 के अनुपात में बांटा गया, किसको कितना मिलेगा बताओ। दूसरा नंबर सवाल है, इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले अनुपात लिख लेते, कुल पैसा लिख लेते हैं, कुल पैसा कितना है, 640 रुपया। अनुपात क्या है, बीसु एवं अर्पणा, मतलब बीसु अनुपात अर्पणा कितना है, 5:3। तो बीसु को कितना मिला, लिखेंगे बीसु को
मिला, कितना मिला, अनुपातिक भाग निकालेंगे, पाँच दोनों को जोड़ देंगे आठ, कितना से गुना करना पड़ेगा, कुल से। बराबर क्या हो जाएगा, आठ से काटेंगे, 80 बार में कट जाएगा 400 रुपया। और अर्पणा को कितना मिला, उसी तरह अर्पणा का अनुपातिक भाग निकालेंगे, अर्पणा को मिला लिख देते हैं पहले, तीन जोड़ेंगे आठ गुना 640, आठ से काटेंगे 80, तीन से गुना कर देंगे 240। तो विश्व को मिला 400 रुपया, अर्पणा को मिला 240 रुपया। सवाल नंबर तीन, एक विशेष प्रकार के इस्पात में लोहा और कार्बन का अनुपात 49:1 है, तो 250 क्विंटल इस्पात में लोहा होगा, लोहा तथा कार्बन का परिमाण कितना है। तो कितना इस्पात, कितना है इस्पात, इस्पात है 650 क्विंटल, लोहा और लोहा अनुपात मतलब लोहा और कार्बन, लोहा कार्बन का अनुपात कितना दिया हुआ है, 49:1। तो लोहा कितना होगा, तो मैंने लोहा की मात्रा कितना हो जाएगी, 49, इन दोनों को जोड़ेंगे 49:1 50 गुने कितना में निकालना है, 250 में, 250 काटेंगे, 0 0 कट गया, 5 से गुना करेंगे, 5 9 45 बचा 4, 5 4 20 4 24। तो इतना क्विंटल क्या है, लोहा। कार्बन की मात्रा निकाल लेंगे, अब कार्बन की मात्रा, एक मात्रा गलती हो जा रहा है, कार्बन की मात्रा क्या हो जाएगा, 1 नीचे जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 50 गुना फिर 250 काटेंगे, 0 0 5 से काटेंगे 5, तो कार्बन की मात्रा कितना हो जाएगा, 5 क्विंटल, यानी लोहा का मात्रा 245 क्विंटल, कार्बन की मात्रा 5 क्विंटल। अब आ जाते हैं चौथे सवाल में, चौथा सवाल क्या बोला है, किसी विद्यालय के 143 छात्र छात्राओं में गाने वाले तथा नाचने वाले छात्र छात्राओं का अनुपात 9:2 है, यदि और 3 छात्राएं गा सकती है तो गाने वाले और नाच करने वाले छात्राओं की संख्या का अनुपात बताओ। तो सबसे पहले हमें अलग अलग अनुपात संख्या निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद 3 और जोड़ के गाने वाले में अनुपात निकाल देना पड़ेगा। तो कुल छात्र छात्रा लिख देते हैं, कुल छात्र कितना है, 143। अब अनुपात किसका निकालना है, गाने वाले अनुपात नाच वाले मतलब नाचने वाले, कितना दिया हुआ है, 9:2। तो गाने वाले छात्रों की संख्या कैसे निकालेंगे, गाने वाले छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या क्या हो जाएगा, एक मिनट, मात्रा का बहुत गलती हो रहा है, कि इधर से होगा, गाने वाले छात्रों की संख्या क्या हो जाएगा, 9, इस दोनों को जोड़ देंगे 11 गुने 143, 11 से काटें, 11 कम 11 गिराते हैं 33, तो गाने वाले छात्रों की संख्या कितना हो गया, 117। और नाचने वाले का निकालेंगे, नाचने वाले छात्रों की संख्या क्या हो जाएगा, 2/2 दोनों को जोड़ेंगे तो 11 गुने 143, फिर काटेंगे 13 26। अब क्या बोला है सवाल में,
कि यदि तीन छात्राएं और गा सकती थी तो नया वाला जो गाने का छात्र है तो यहाँ लिखेंगे तीन तीन छात्राएं और गा सकती है, इसलिए गाने वाले छात्रों की संख्या क्या हो जाएगा, 117 जोड़ 3 बराबर 120। अब क्या बोला है, अनुपात निकालो, तो निकाल लेंगे गाने वाले अनुपात नाचने वाले क्या हो जाएगा, 120 अनुपात, अभी का अनुपात लेंगे नया 3 120 है टोटल और इसका 26 काटेंगे, 13 दूनी का 2 से काटेंगे 13 बार में कटेगा और ये 60 बार में कटेगा, 60 अनुपात 13। अगले वीडियो में हम पांचवा और छठवा बनाएंगे। इस चैनल में आने वाले वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।